मिला नहीं होता, इन लोगों ने कुछ पाया नहीं होता, इनके जीवन में कुछ विकास नहीं हुआ, तो ये सब पागल थोड़ी इतना इतना किराया खर्च करके। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड अफसर हूँ, मैं इतना उल्लू नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ कि मैं जाके इतना पैसा खर्च करूँ और पूरा दिन वेस्ट करूँ। बापू जी का एक ऑडियो आया है, सबने सुना होगा शायद, 9 मिनट का था, उसमें भी वो रो रो के सिर्फ रोया उन्होंने, सिर्फ वो दिल से यही बता रहे हैं कि मैं जो समझाना चाहता हूँ उस बात को समझो, दुनिया बहुत बुरी है, हर जगह सिर्फ धोखा और सिर्फ धोखा ही है। हम उस भगवान को मानते हैं जिसको दुनिया व्यक्ति समझती है, और वो हमारे लिए भगवान है। हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त सिर्फ उनके ही नाम से होता है। भगवान भी आकर कह देना कि उनको मत मानो, तो हम भगवान को बोल देंगे, भगवान को ठुकरा देंगे, उनकी वाणी को ठुकरा देंगे कि ठीक है आप जो हो आपकी जगह हो। भगवान को तो ब्रह्मज्ञानी संत को तो भगवान खुद पूछते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, उनके बारे में जितना कहो उतना कम है। इस संसार के जितने पेड़ में जितने पौधे पत्ते हैं, और समुद्र में नदियों में जितना पानी, उसकी शाही भी बना ली जाए और पेड़ की पत्तियों को अगर कागज़ भी बना ली जाए, तभी गुरु की हम कभी लिख ही नहीं सकते हैं महिमा। और उनकी हर रजा में राजी रहो, क्योंकि उनकी हर बख्शीश में एक रूहानी राज होता है। नॉर्मली डिफेंस पर्सन जल्दी साधु संतों के चक्कर में आते नहीं, लेकिन मैं क्यों जुड़ा वो अपना अनुभव बताऊंगा मैं कि मैं 15 साल से मेरी मिसेज परेशान थी, और आप विश्वास नहीं करोगे 5 भूत परेशान कर रहे थे, 5-5 भूत। मेरे को खाना भी अच्छे से खाने नहीं दे रहे थे, और डेली का ही तमाशा था, और मैं कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट नहीं करा। कम से कम उस समय 92, 93, 94 में 2-2.5 लाख रुपया खर्च किया। डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर एक डिस्प्रिन दे देता था या डाइजिन दे देता था, वापस आ जाता था, यहाँ से सीरियस लेके जाता था एम्बुलेंस से, ऐसा चलता रहा। तो मेरे एक साथी हैं एयरफोर्स में ही है वो, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बापूजी हैं हैदराबाद में आ रहे, 99 का केस है, कि आप चलो वहाँ से दीक्षा ले लो तो सारा ठीक हो जाएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 18 दिसंबर को दीक्षा लिया 99 में, और 19 दिसंबर को मेरे सामने 5 भूत बापूजी की फ़ोटो के सामने सर रख रख कर कि बापूजी हम तर गए, मुक्त हो गए, बापूजी हम तुमसे मुक्त हो गए, अब हम नहीं आएंगे। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं शाम के, और मैंने ये पहले कसम खा रखी कि मेरी इस समस्या को जो भी ठीक कर देगा मैं संसार में उसी को भगवान मानूंगा, उसी को भगवान मानूंगा। और मैं तभी से बापूजी को मानने लगा, और मैं दीक्षा लेने के पहले कम से कम रोज़ आधा बोतल 5 या 6 पैक पीता था, 20 गुटखा खाता था डेली। आज की तारीख में ना कोई गुटखा ना शराब, इवन चाय आए सब कुछ भी नहीं पीता हूँ। दूसरा मेरा अनुभव आपको बताऊँगा कि मेरी मदर को 2008 में 2nd स्टेज B का कैंसर हुआ था। 2nd स्टेज B का कैंसर ऑलमोस्ट 60% क्रॉस हो जाता है, जस्ट अबाउट टू डाई ओनली। और मेरी मदर के सामने साथ में 10 पेशेंट एडमिट थे, 10 मर गए, लेडीज जेंट्स जो भी थे। मेरी मदर आज घर में सबसे ज़्यादा काम करती है, जितनी बहुएँ घर में है उससे भी ज़्यादा करती है, और बिल्कुल मतलब हेल्दी है। दूसरी बात, तब से 99 से मैं बराबर आश्रम में जुड़ा हूँ। मेरे को यहाँ आने के बाद भक्ति संगीत माला अपना बाल संस्कार केंद्र नारी उत्थान संकेत, इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे लोगों का उत्थान, सारे लोगों की समाज की उन्नति देखता हूँ, तो मेरे को बहुत आनंद आता है। और मेरे साथ साथ कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो आश्रम से और बापू जी के साथ जुड़ गए, लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अभी हमारा दुर्भाग्य और देश का दुर्भाग्य कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत को लोगों ने जेल के अंदर डाल रखा है, ठीक है, ये सरकार है। अभी आप देख रहे, एक सरकार ने डाला उसका तो सफाया है, और नेक्स्ट सरकार इज आल्सो इन हेड, वो बीजेपी का भी कुछ समय के बाद सेम कंडीशन होने जा रहा है कांग्रेस की तरह, क्योंकि बीजेपी के हमने देखा मैक्सिमम जो बड़े बड़े लीडर थे सारे आते थे, और आज की तारीख में एक भी लीडर है जो मौ से नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोलता, वो सब जानते हैं। और ये दुर्भाग्य है, जो लड़की जो नाबालिग है उसको बालिग बना दिया, उसकी एफआईआर को बदल दिया, उसकी एफआईआर के रजिस्टर के पन्ने चेंज कर दिए, ठीक है, उसकी सारी जो 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 डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए वो सबमिट नहीं किए हैं, ठीक है, और लड़की के शरीर पर खरोंच तक नहीं है। आपने देखा होगा सुनील दत्त ने पूरा आर्म्स एक्ट में आतंकवादी के हथियार रख करके उसको 6-7 बार पैरोल मिली, अच्छे बोला, अच्छा बर्ताव है। बापूजी कौन सा गोली चला रहे हैं उसमें आश्रम में, बापूजी का तो अच्छा बर्ताव है, पैरोल मिल सकती थी। आप फ्रेंको देख लो, 13 लेडीज पर बलात्कार किया, 24 दिन में जमानत मिल गई,
65-60 से ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट है वहाँ बुखारी के नाम से दिल्ली में, वो घूम रहा। आज का दिल्ली पुलिस और सरकार की या न्यायपालिका की हिम्मत नहीं कि उसको पकड़ ले, ठीक है। सलमान खान दारू पी के 4-5 मार दिए, 2 घंटे में जमानत मिल गई। दिस इज द स्टेटस ऑफ आवर कंट्री एंड न्यायपालिका। क्या करें, अब ये सारे बड़े लोग हैं पीछे, लेकिन क्या ना समय आएगा, क्योंकि नेचर सबसे धीरे धीरे बदला लेगा।